हाँ जी, बस गाड़ी देखनी थी जी सेंट्रो जरा कुछ थोड़ा बताएंगे गाड़ी की क्या ऑन रोड प्राइस कितनी पड़ रही है जिसकी? सर बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। और आप बैठ के देखिए गाड़ी, गाड़ी फटनी का बस सीट आगे पीछे हो जाती है जी? बिल्कुल बिल्कुल, सीट आपकी आगे पीछे हो जाती है। आपको इसमें काफ़ी स्पेस भी है। नहीं गाड़ी तो खैर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कितनी है जी? कितनी माइलेज बढ़िया, बहुत बढ़िया है इसकी, बिल्कुल ऑन रोड काफ़ी अच्छी एवरेज दे रही है। बल्कि इस समय अपनी कैटेगरी में इस गाड़ी ने ऑलरेडी सबको पानी पिला के रखा हुआ है, बहुत बढ़िया चल रही है। इनफैक्ट इतनी डिमांड रहती है कि गाड़ी हमारे शोरूम पर आती बाद में बिक पड़ जाती है। बाकी आप अपने लिए देख रहे हैं किसी के लिए? नहीं अपने लिए देख रहा हूँ, थोड़ा सा गाड़ी हो जरा थोड़ी अच्छी हो कुछ थोड़ा सा देख रहे हूँ। तो थोड़ा बताएंगे कि क्या इसका पड़ जाएगा ऑन रोड, क्या प्राइस पड़ जाएगा? सर इसमें जो आपने बोला बहुत गाड़ी थोड़ी अच्छी हो, उसमें थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि अच्छी मतलब क्या अच्छी हो, क्या चीज़ें आप? सभी वो सभी अच्छा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल फ्यूल एफिशिएंसी जरूरी है, माइलेज जरूरी है, नहीं तो पेट्रोल भराते भराते टाइम निकल जाता। और दूसरा है कि मेंटेनेंस कम हो थोड़ी गाड़ी की, गाड़ी ऐसी हो जो हिल नहीं जाए, और एक दो साल के बाद भी गाड़ी पूरी रहे सॉलिड। ऐसा नहीं कि दो साल के बाद ये ठीक कराओ वो कराओ वो कराओ। मेरा एक दोस्त है, उसने उनो ली थी और दो साल के बाद ही बेचारा हर रोज कहता है इसकी इंजन ओवरऑल करो, इसका पानी कम है, इसका तेल कम है। तो गाड़ी सॉलिड रहे, ऐसा नहीं कि दो साल के बाद परेशान कर ले जाए। तो मेन चीज तो ये दिमाग में है सर, तो थोड़ा हाँ बिल्कुल जैसे आपने बहुत बढ़िया बताया। इसमें क्या है सर कि हुंडई का बड़ा जैसे कल आपसे फिक्स हुआ था गाड़ी लेके हम आए आपको टेस्ट ड्राइव दिलाने के लिए जी। तो ये थोड़ा सा क्या मैं थोड़ा विचार बता रहा था अभी इसमें और वैगन आर में, जैसे पिछली बार भी बात हुई थी, तो थोड़ा सा मुझे आप एक्सप्लेन कीजिए कि क्या चीज़ें हैं इसमें जिसके कारण से कि सेंट्रो प्रेफर हो, वो थोड़ा सा एक आइडिया थोड़ा नहीं सोचा। जैसा आपने पिछली बार बताया था ना कि गाड़ी में एक तो स्पेस का एक बता रहे थे आपकी कई बार, जो कि आपका डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाते, नोएडा से साकेत भी जाना है, साकेत से नोएडा, पर एक स्पेस का बोल रहे थे कि कुछ फैमिली के लोग जाते हैं, साथ में कोई फ्रेंड चल पड़ता है, साथ में बच्चे चल पड़ते हैं, तो है ही। तो एक तो स्पेस का बता रहे थे कि इशू होता है, और आपके पास अभी जैसे 800 उसमें बोल रहे थे कि 800 में इशू आता है, और दूसरा बता रहे थे मेंटेनेंस का बड़ा इशू आता है। तो मैं कहा गाड़ी में ये नहीं हो कि खर्चा बहुत होने लग जाए, खर्चा बिल्कुल विद इन पॉकेट रहना चाहिए। तो मैं आपको पहले मैं जरा बता दूँ थोड़ा सा, उसके बाद आपको टेस्ट ड्राइव पे लेके चलते हैं जी। तो आपको उसने एकदम फीलिंग आई अपने आप की गाड़ी क्या है, कम्फर्ट के तो आप अगर उसमें बैठ के देखना चाहें तो इससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लगेगा कि इसमें स्पेस का। लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस वेरी क्लियरली सो दैट वी कैन डू इट फास्ट। व्हाट इज द गेम, हाउ दिस शुड बी डन, आफ्टर यू अंडरस्टैंड इट देन आई विल गेट सम वॉलंटियर्स फ्रॉम द ग्रुप हु विल एक्चुअली डू दिस गेम। दिस गेम इज कॉल्ड टावर बिल्डिंग। व्हाट इज टू बी डन इन दिस, व्हाट इज टू बी डन इज आई हैव दीस मैच बॉक्सेस विद मी, अ लॉट ऑफ दीस। I have talked to these people, they said there is a wholesale shop just next after this bridge. And he says you can get as many matches, not a problem. What is to be done is that here in this room somewhere, either here or on the table, you people have to create a tower by putting these matchboxes on one on top of the other. You have to create a tower like this. You have to create a tower like this. And when you create a tower like this, we will consider the height of this tower by number of floors and not by number of matchboxes. For example, this is how high tower? 4 floors. This is 4. G plus 3, 4. This is 11, 12 each. So can we, the way you are sitting, if you can create a team about 11, 12, so what I guess is that these three teams, 5, 5, and 2. Okay, every team, please choose one person as a leader.